बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, theiron.com यूट्यूब चैनल। CS101 का जो लेक्चर्स आज मैं आपके लिए मॉड्यूल्स जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुतालिका है। एक तो इससे आपको ये हेल्प होगी कि जो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है उसको आप कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे। मैंने उसके लिए अलहदा वीडियो बना दी हुई है, आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मज़ीद चूँकि अब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए ये कोई 5 से 7 आपके मॉड्यूल्स हैं, ये समझाने का अब आपको बेहतरीन मौका है। आपकी इंटेंशंस भी हैं, आप देख भी रहे हैं वीडियोस को, काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप समझ के कर लेंगे तो उसमें आपको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मेथड ये है ही कोई नहीं कि मैं सोल्यूशन बना के दूँ, ठीक है, या मैं सिर्फ सोल्यूशन की वीडियोज़ ही बनाता रहूँ। मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है शॉर्ट लेक्चर्स का, कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको शॉर्टेस्ट वे के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बनाऊं। और ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर जो बंदा भी काम करता है जो व्यूज़ के लिए करता है, वो कोई खुदा तरसी के लिए नहीं करता, वो व्यूज़ के लिए ही ऑफ कोर्स करता है, ज़ाहिर है उसको जो है वो अर्निंग के लिए ही करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव पेशे नज़र हैं तो तभी हम आपके साथ जो है ना वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन दो मकसद होते हैं जी, एक मकसद होता है कि किसी को धोखा दे के उससे व्यू हासिल करना, और एक होता है कि आप किसी को पढ़ा कर समझा कर। तो मैं शुरू से ही, मेरे आप कवर फोटो में देख लें, मेरे फेसबुक ग्रुप में देख लें, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं किसी किस्म की कोई पेड हेल्प या क्विजेज वगैरह ये वो ऐसा कुछ नहीं करता। मैं एज अ टीचर ही आपके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ और आपको गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। CS101 का जो भी स्टूडेंट है, आपने मेरी पहली वीडियोस के अंदर देखा हुआ था, मैंने बताया था कि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है और दो किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स के अंदर एनरोल हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के पहले तौर सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेपरेट सब्जेक्ट आएगा जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन फ्यूचर, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है। मुकम्मल एक कोर्स होगा जिसका ओवरव्यू आज हम जो है वो ये 6 से 7 मॉड्यूल्स के अंदर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जो हैं जैसे MSc जोलॉजी के, MSc मैथ के, या कुछ और स्टूडेंट्स जो CS101 को एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि कंप्यूटर लिटरेसी अब हर क्लास के अंदर होनी चाहिए, उनके लिए जो है ना ये एक नॉलेज है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस का सबसे मेन सिस्टम होता है। जैसे आपके सामने ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसमें विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम गूगल में जाते हैं और लिखते हैं जी ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें डिफ़ाइन कर दो, मैं स्क्रीन को ज़रा आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ, तो देखें जी क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर। बहुत ही जामे डेफिनेशन है ये जो आपके सामने है ये, ठीक है, यानी इसके अंदर तकरीबन वो सारी बातें मौजूद हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। मसलन आप देखें, आपको इस वक्त जो असाइनमेंट आई हुई है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से है। ये जान है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, ये इंटरफेस मुहैया करता है, ये इस काबिल बनाता है यूज़र को कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सके। इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, यानी यूज़र्स के लिए भी ये ज़रूरी है और ये एप्लीकेशंस के लिए भी ज़रूरी है। आप देखें ये मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये 4 हार्डवेयर्स हैं। ये आपका कंप्यूटर है और ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट्सएप, स्काइप, एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं। इन सब को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद चाहिए। मुझे बताएं व्हाट्सएप चलेगा अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है? आप विंडोज़ के ऊपर व्हाट्सएप को नहीं चला सकते जब तक आप जो है उसे वेब बेस्ड ओपन ना कर सके। तो इसलिए चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे हार्डवेयर है, चाहे यूज़र है, इस डायग्राम को देखें ज़रा आप, ये भी बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम है कि यूज़र जो है और ये हार्डवेयर है। हम असल में तो प्रिंटर से प्रिंट निकलवाना चाहते हैं,
हम असल में तो स्पीकर में आवाज को सुनना चाहते हैं, हम असल में जो है वो एक डिजिटल स्कैनर के अंदर पेपर को स्कैन करना चाहते हैं, लेकिन मेरे और उस हार्डवेयर के दरमियान सबसे पहले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं उसे चलाता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाता हूँ, वहाँ से कंट्रोल पी करता हूँ तो प्रिंट की कमांड मैं देता हूँ, ठीक है। मैं ब्राउज़र में अगर मौजूद हूँ तो मैं ब्राउज़र के ऊपर कंट्रोल पी करता हूँ तो प्रिंट करता हूँ। वो एप्लीकेशन मेरा सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर चल रहा है, समझ आ रही है। जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, वो ब्राउज़र एप्लीकेशंस हैं, वो वर्ड की एप्लीकेशंस हैं, वो कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस हैं, तमाम हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम कर रहे होते हैं, इसके कंट्रोल में वो इसके पास आएगा। ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कनेक्टेड है, यानी ये भी एक डायग्राम है। वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अनेबल ए यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट अनेबल ए यूजर टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें इस डायग्राम को देख लेंगे। यूजर वन है, यूजर टू है, यूजर थ्री है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो यूजर इस्तेमाल करता है, जैसे वर्ड, एक्सेल और इसी तरह आप कह सकते हैं ब्राउजर, व्हाट्सएप, ये सारे जो यानी यूजर ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करता है वो उसका ड्राइवर कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर जो साउंड कार्ड के अंदर जो है वो आवाज़ को पैदा करता है, वो उस साउंड कार्ड को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर वो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में नहीं होगा जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, तो वो हार्डवेयर कंप्यूटर में लगा होगा लेकिन वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। आपका वाईफाई जो है लगा होता है आपके लैपटॉप में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता जब तक आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते। तो ड्राइवर क्या है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी है। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, यूज़र को डॉक्यूमेंट बनाने की सहूलत देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यूज़र को स्लाइड्स बनाने की सहूलत देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, यूज़र को ग्राफिकल एप्लीकेशंस पे काम करने की सहूलत देते हैं कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, यूज़र्स को सहूलत देते हैं कि वो डाउनलोड कर सके तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर्स हैं। ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये सारे दोनों के दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर चलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे कामों को आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद सीपीयू, रैम और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हैंडल करता है। तो ये रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, सीपीयू भी रिसोर्स है, रैम भी रिसोर्स है, आईओ भी रिसोर्स है। अब इस सारी डायग्राम को सामने रखें और इस डेफिनेशन को सामने रखें, क्या कर रहा है जी, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है जी। आपके कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है, कितने प्रोसेस चल जाते हैं, जब ज़्यादा प्रोसेस चलते हैं सिस्टम स्लो हो जाता है, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB या 4 GB रैम में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को भी चला देता है। कभी वो ये नहीं कहता कि रैम को बढ़ा दो, वो अपनी परफॉर्मेंस को लोअर डाउन कर लेता है, स्लो हो जाता है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को वो चलाता रहता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा काम एक वक्त में चल रहे होते हैं, आप देखें इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, फॉक्सिट चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, नोटपैड चल रहा है, ये तो हमें प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं ना, एक एक प्रोग्राम के अंदर कितने कितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैं टास्क मैनेजर, आप सब ने ना एक दफ़ा ज़रूर इस बात को समझना है, टास्क मैनेजर ये आ गया जी। और उसके बाद मैं इमेजेस में जाता हूँ, ठीक है, ये देखें जी, ये व्यू आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है जी। मेरा ना मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस है जिसकी वजह से टास्क मैनेजर मेरा डिसेबल हुआ है। आप यहाँ पर आके देखिएगा कि आपके कंप्यूटर में इस वक्त ये एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस भी चल रहे होते हैं, ठीक है। आपको ना यहाँ पर क्रोम नज़र आएगा, उस क्रोम के अंदर आप देखेंगे कि कितने ही प्रोसेस चल रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, ये देखो इस क्रोम है, एक टैब मेरी ये चल रही है, एक टैब मेरी ये चल रही है, इस क्रोम के अंदर मैंने इतनी सारी एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई हैं, ये सारी एक्सटेंशन चल रही हैं, इन तमाम एक्सटेंशन का अलहदा अलहदा प्रोसेस चल रहा है, इस क्रोम का अलहदा, इस टैब का अलहदा प्रोसेस चल रहा है, इस टैब का। तो प्रोसेस जो होता है बेसिकली ये होता है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम
सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। जब आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आएगी, और इस प्रोसेस में आप देखिएगा ये कम से कम 40-50 के करीब होंगे, और ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा है ये सीपीयू कितना यूज कर रहा है, ठीक है जी, इसकी मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, डिस्क ये कितनी यूज कर रहा है, नेटवर्क ये कितना यूज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको जो है ना ये बताएगा, और यही वो मैनेजमेंट है। अब आप देखेंगे कभी इसको ज्यादा दे देगा, कभी उसको ज्यादा दे देगा, मेमोरी ओवरऑल 7% सीपीयू, ये चीजें, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल हो गया कि ये मेमोरी और प्रोसेस को मैनेज करता है। इनपुट एंड आउटपुट जितने भी हैं, तमाम इनपुट डिवाइसेस, तमाम आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल ये करता है। जितने कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, यानी इनपुट आउटपुट के अलावा जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, और तमाम किस्म की डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, हर किस्म के डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर, यानी आप ये कह लें कि इट कंट्रोल्स, अगर मुझे यहाँ पर लिखने दें, इट कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ये तमाम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इतना बड़ा ये जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर। यहाँ तक बात की समझ आ गई। हिस्ट्री अगर हम देखें तो जाहिर है जैसे ही कंप्यूटर बना था 1940 और 1950 में, तो उसी वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना था। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो तमाम कंप्यूटर्स में चलता था। वरना शुरू शुरू में ये था कि जो कंपनी कंप्यूटर बनाती थी वो अपना साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च कर देती थी, और आज भी आप देखें एप्पल के कंप्यूटर के अंदर उसी उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, लेकिन बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आप विंडोज़ भी कर सकते हैं, लिनक्स भी कर सकते हैं, और भी अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये नहीं है ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये ओवरऑल इसका तारुफ था, अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल वर्किंग के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद करनी है, दैट इज कॉल्ड जॉब। एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम कॉल्ड ए जॉब वॉज हैंडल्ड एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह ये काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझें कि ये एक सर्विस स्टेशन है, इसके पास जितने भी सॉफ्टवेयर जाते हैं, जितने भी हार्डवेयर जाते हैं, ये सारे जाके उससे अपना अपना काम करवाते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस जो है, एक प्रोग्राम जो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक जॉब है, और वो इस जॉब को किससे करवाएगा, हार्डवेयर से करवाएगा, सीपीयू से, रैम से, और इनपुट आउटपुट की मदद से उसने करवाने हैं, क्योंकि उसके ये कंट्रोलर एंड मैनेजर है, कंट्रोलर एंड मैनेजर है, तमाम रिसोर्सेज इसके पास हैं, कितने रिसोर्सेज किस जॉब को एलोकेट करने हैं, कितने रिसोर्सेज किस जॉब को एलोकेट करने हैं, क्या ये एक वक्त में एक ही जॉब परफॉर्म करता है या एक से ज़्यादा जॉब परफॉर्म करता है, ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इसी की होती है। तो जॉब का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये जॉब्स को परफॉर्म कैसे करता है। सबसे पहला तरीका जो इसके अंदर है वो है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग का। बैच प्रोसेसिंग क्या है कि जॉब्स को इकट्ठा ये परफॉर्म नहीं करता, जैसे ही जॉब आती है उसी वक्त परफॉर्म नहीं करता। शुरू में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद थे कि जो जॉब्स को कलेक्ट करते रहते थे, इनपुट आउटपुट का फंक्शन उनका चलता रहता था, लेकिन प्रोसेसिंग का फंक्शन नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? 1940, 50, 60 तक आपका प्रोसेसर जो था वो चंद किलो हर्ट्स का होता था, आज तो गीगा हर्ट्स का प्रोसेसर है ना। याद करें जरा, सोचें जरा, आज भी अगर हम कोई हैवी एप्लीकेशन चलाएं तो मोबाइल और आपका जो लैपटॉप होता है ये गर्म होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त जब ये गीगा हर्ट्स है, गीगा हर्ट्स से मेगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स से किलो हर्ट्स, यानी पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ, 1000 किलो हर्ट्स का एक मेगा हर्ट्स बनता है, 1000 मेगा हर्ट्स से एक गीगा हर्ट्स बनता है। आज के आपके मोबाइल के अंदर 2 गीगा हर्ट्स का प्रोसेसर लगा हुआ, तो उस वक्त चंद किलो हर्ट्स के प्रोसेसर हुआ करते थे। तो जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता था तो उस वक्त जो है उनकी कोशिश होती थी कि इनपुट और आउटपुट की टास्क ना परफॉर्म की जाए। ऐसे सिस्टम तैयार किए जाते थे कि जो इनपुट और आउटपुट लेते रहते थे और उन जॉब्स को कलेक्ट करते रहते थे और उन जॉब का बैच बना के फिर उनकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाती थी। जॉब एक आम चीज़ है, एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, वो आपसे 10 फॉर्म लेता है, जब 10 फॉर्म होते हैं तो उस वक्त वो उन फॉर्म को जो है ना
पहले वो इनपुट ले रहा है, फॉर्म जमा किए जा रहा है, जब 10 फॉर्म होते हैं उस वक्त वो फॉर्म उठा के प्रोसेसिंग सेक्शन में भेजता है कि आप इनको प्रोसेस कर दो। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स को अपने एक पूल के अंदर, अपनी एक क्यू के अंदर कलेक्ट करता रहता है, जिसे जॉब क्यू कहते हैं, ठीक है जी, जब तक जॉब क्यू के अंदर मौजूद होती है, वो अपने जॉब क्यू के अंदर वो तमाम जॉब्स को रखता रहता है, और जब एक लिमिट उसने बनाई होती है, मिसाल के तौर पर उसने कहा जी कि मैंने 10 जॉब्स को इकट्ठा प्रोसेस करना है, उसके बाद वो उस क्यू को जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फाइफो बोलते हैं, इस फैशन के अंदर वो एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है कि जो जॉब पहले आएगी वही जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी। जिस तरह बैंक के बाहर बिल जमा करवाने वालों की लाइन लगती थी पहले, आजकल तो डिजिटल दौर आ गया, लोग मोबाइल पे जमा करवाते हैं। तो एक क्यू का मतलब ही ये होता था कि जी जिसमें जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट आउट होगा। और आपकी असाइनमेंट का एक हिस्सा ये भी है कि जी आपके पास प्रोसेस आए हैं बी डी ए सी के हवाले से, तो इनको आप रेडी क्यू के अंदर डालें कि ये रेडी क्यू में किस तरह जाएंगे और किस तरह से वहां पर जो है ना ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने जो इसके लिए डायग्राम बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है theiteducation.com, यहाँ पे मैंने इसके सोल्यूशन की डायग्राम को कॉपी पेस्ट किया था। सारी दुनिया उसी को कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना रही है और बाद में कहते हैं जी कि हमारा सोल्यूशन ठीक है और फलां का सोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो सोल्यूशन बनाता ही नहीं, मैं तो गाइड करता हूँ लोगों को, ठीक है। और मैं कभी क्लेम भी नहीं करता कि मेरा सोल्यूशन ठीक है, मैं तो कहता हूँ इस तरह बनेगा और इसको बनाकर देख लो। ये देखें जी, ये क्यू के अंदर हमने डाल दिए। उसने कहा था कि पहले बी आया है, फिर डी आया है, फिर ए आया है, और फिर उसके बाद जो है ना वो सी आया है, लिहाजा उसको आप क्यू में डाल के दिखाएं। तो क्यू की डायग्राम आपके पास क्या है, ये देखें जी, आपके हैंडआउट्स में उसने क्या कहा हुआ है, जॉब प्रोग्राम डाटा एंड डायरेक्शन, ये एक किस्म की आपकी क्यू है। यहाँ से जॉब्स आएंगी और यहाँ से डिस्पैचर या एग्जीक्यूटर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब आप देख लें जी कि उसने कहा था कि बी आएगी पहले, तो पहले बी आई, डी आई, ए और सी, यहाँ से ये एंटर होते हुए इस तरह आपका एक रेडी क्यू बन जाएगा और डिस्पैचर आपके सीपीयू को जो है वो डिस्पैच कर देगा। बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, जॉब क्यू एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया जी। बैच प्रोसेसिंग में हर जॉब जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को और स्टेप्स के ऊपर मेंटेन होती थी, जिसे जो है ना वो जॉब कंट्रोलर लैंग्वेज के जरिए जॉब क्यूज में से निकाला जाता था और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। ये सबसे पहला तरीका था आपके पास प्रोसेसिंग का। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या हुआ, टू अकोमोडेट दीज नीड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप्ड बीइंग एग्जीक्यूटेड टू कैरी ए डायलॉग विद यूजर थ्रू रिमोट टर्मिनल फीचर नोन एज इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। मेजर ड्रॉबैक इसका क्या था, मेजर ड्रॉबैक इसका ये था कि जब एग्जीक्यूशन होती थी तो उस वक्त इनपुट और आउटपुट बंद हो जाती थी, यानी सारी इनपुट आउटपुट ले ली, बैच बना, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। वजह क्या थी, उस वक्त के जो सिस्टम थे वो इनकैपेसिटेटिव थे, ना रैम इतनी ज़्यादा थी ना सीपीयू इतने ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये था कि अगर हम यानी ए टर्मिनल कंसिस्टेड ऑफ लिटल मोर देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, एक टर्मिनल ऐसा लगा दिया गया कि जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी जो है वो प्रोग्राम को इनपुट दे सकता था, ये जो मॉडल था ये इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग कहलाता था, यानी बैच प्रोसेसिंग से थोड़ा बेहतर कि अब आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन किसी भी एग्जीक्यूशन को जो है वो के साथ इंटरेक्ट आप कर सकते थे, दैट वाज इंटरएक्टिव, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। मॉड्यूल नंबर 46 जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हैं। नंबर वन जी, ये कोऑर्डिनेशन करता है यूजर के साथ, सक्सेसफुल इंटरेक्टिव करता है जी। उसके बाद प्रोसीड प्रिंटिंग रिकॉर्ड ऑफ व्यू, ये आ गया जी एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, टास्क को ये एग्जीक्यूट करता है। टास्क, जॉब, प्रोसेस एक जैसे लफ्ज हैं, ये जेहन में रखिएगा, ठीक है। प्रोग्राम बड़ा लफ्ज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। क्रोम एक प्रोग्राम है, उस क्रोम के अंदर चलने वाली जो एक टैब है वो आपके लिए कह सकते हैं कि एक टास्क है सीपीयू के लिए। आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर अगर एक प्लगइन चल रहा है तो वो आपके कह लें आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक टास्क, जॉब या प्रोसेस इस तरह का लफ्ज है। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था कि जैसे ही
जॉब आती थी उसी वक्त प्रोसेस नहीं होती थी, दैट वॉज नोन एज जॉब बैच प्रोसेसिंग. कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग्स विद देयर डेडलाइंस एंड एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल है मिसाइल एंड रडार. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें उसी वक्त जैसे ही जॉब इनपुट की जाती है अगर उसी वक्त प्रोसेस कर दी जाए और वो टाइम बाउंडेड टास्क को परफॉर्म करे तो इसे हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो रियल टाइम, जो रडार होता है, अब रडार तो नहीं ये कर सकता कि सिग्नल वसूल करता रहे और एक टाइम 5 सेकंड के बाद या हर 10 सेकंड के बाद रिपोर्ट करे. नहीं नहीं नहीं, रडार जैसे ही रिसीव करेगा उसी वक्त प्रोसेस करके रिपोर्ट करेगा. तो रडार का जो सिस्टम है ये बैच प्रोसेसिंग पे चल ही नहीं सकता, ये रियल टाइम होना चाहिए. तो इसी तरह आजकल जो ज़माना है वो रियल टाइम और इंटरेक्टिव सिस्टम्स का ज़माना है. आप देख सकते हैं 60s और 70s के अंदर कंप्यूटर बड़े ही एक्सपेंसिव थे, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है ये मुश्किल थी इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जैसे जैसे मशीन जो है वो बेहतर होती चली गई और बेहतर कॉन्सेप्ट आता गया तो उस वक्त तक रियल टाइम प्रोसेसिंग और इंटरेक्टिव सिस्टम्स का ज़माना भी आता चला गया. तो कितनी टाइप्स हमने पढ़ ली, बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेस. रियल टाइम में उसी वक्त हो जाता है जैसे ही वो आता है, विदाउट एनी डिले, किसी किस्म का कोई टाइम लैग नहीं होता. तीसरी टेक्निक है जी, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग, जो आपकी मौजूदा असाइनमेंट है. इसमें क्या होता है जी, इसमें आप देखें जी, सबसे पहले कि आप डिज़ाइन करते हैं सवियर मल्टीपल यूजर्स को. हम टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट है एक्टिव, रेडी, वेटिंग, तीन स्टेट्स इसकी होती हैं कि एक जॉब जब आती है ना तो वो आपके आके वेटिंग क्यू में लग जाती है, वेटिंग क्यू में. ठीक है, वेटिंग रूम में बैठ गई, वहाँ से उठेगी तो वो रेडी रूम में चली जाएगी. रेडी रूम से क्या मुराद है कि इसकी बारी किसी भी वक्त आ सकती है. ठीक है, उसी को उठाया, उसने बुलाया और उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया. 5 कमरे डॉक्टर वेटिंग रूम में 5 मरीज बैठे हुए हैं. ठीक है, उन 5 मरीजों को डॉक्टर ने अपने रूम में बना लिया, बुला लिया है. अब वो जो डॉक्टर के रूम में चले गए हैं जिसने उन मरीजों को पूछना है या उनको चेकअप करना है, तो वो अब रेडी क्यू में है. ठीक है, तो ये रेडी क्यू है. उसके बाद आ गया एक्टिव, जिसके साथ डॉक्टर बात कर रहा होगा, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो उसकी एक्टिव जो है ना वो क्यू में चला जाएगा. टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था. टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है. और इसके पीछे जो टेक्निक है वो ये है, तीन बातें हैं, बहुत आसान है. टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है जी कि आपके पास जितनी भी जॉब्स हैं और जितने भी यूज़र हैं, 5 यूज़र 5 जॉब्स भेजते हैं सीपीयू के पास. सीपीयू के अंदर टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है कि वो एक को एग्जीक्यूट करके दूसरी की तरफ नहीं जाता. ठीक है, ना वो 5ों को इकट्ठा करके करेगा तो बैच प्रोसेसिंग जैसे ही आई उसको करने लग गया और उसको कंप्लीट करके दूसरे को करेगा तो रियल टाइम. टाइम शेयरिंग क्या है, उसके पास 5 जॉब्स आई, उसने पहली जॉब को कुछ टाइम दिया, फिर दूसरी को दिया, फिर तीसरी को दिया, फिर चौथी को दिया, उसने टाइम का एक स्लाइस बनाया हुआ है, एक क्वांटम टाइम. क्वांटम भी कहते हैं, टाइम स्लाइस भी कहते हैं. उस टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम को के जरिए वो तमाम को सर्विस करता रहता है कि जी इसको भी सर्विस कर दिया, इसको भी सर्विस कर दिया. ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, मसलन 4 प्रोसेस उसके बाद आगे थे, पहला 6 में था, दूसरा 8 का था, तीसरा 4. उसने पहले 2 सेकंड का आपको टाइम क्वांटम दिया गया था, उसने 2 सेकंड के लिए प्रोसेस बी को चलाया, फिर वो चला गया डी के ऊपर 2 सेकंड, इसको चलाया, फिर चला गया ए के ऊपर, फिर चला गया सी के ऊपर. अब सी के बाद दोबारा वो बी के ऊपर आ गया. बी पहले 6 सेकंड की एग्जीक्यूशन थी, इसकी 2 सेकंड का काम तो इसने कर दिया, इसके 4 रह गए, 4 माइक्रोसेकंड या मिली सेकेंड, कॉन्सेप्ट एक या यूनिट जो भी है. तो फिर ये इस तरह चलता चला जा रहा है और इस तरह जो टास्क पहले है वो खत्म हो रही. फायदा इसका क्या हो रहा है, फायदा इसका ये हो रहा है, अगर ये चलता इसी तरतीब से 6 सेकंड 8 सेकंड, यानी ये क्यू में रखता, इस ये भी वेटिंग में है, ये भी वेटिंग में है, ये भी वेटिंग. सबसे पहले बी गया, उसने बी को प्रोसेस किया, 6 सेकंड लगे जी. फिर 8 सेकंड उसने प्रोसेस किया डी को, 6 और 8 कितने हो गए, 14 सेकंड. तो ए को 14 सेकंड लगने थे वेटिंग में, समझ आ गई है, तब जाके उसकी बारी आनी थी. लेकिन अगर टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के जरिए किया जाए, और टोटल टाइम कितना लगना था, 8 और 6 14 14 और 4 20 18 18 और 4 22 सेकंड में ये चारों प्रोसेस होने थे, लेकिन वेट करना पड़ना था ए को 14 सेकंड के लिए और सी को कितने सेकंड के लिए,
20 सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए इसे वेट करना पड़ना था। लेकिन टाइम शेयरिंग क्या किया, दो दो सेकंड उसने सबको दिए, तो आप देखें कि दो दो चार दो छः दो आठ दस बारह और यहाँ पर आ गया 14, 14 सेकंड के बाद जो ये ए प्रोसेस है ये ख़त्म हो चुका होगा। कहाँ इसकी 14 सेकंड बाद बारी आनी थी, और टाइम शेयरिंग के ज़रिए 14 सेकंड के बाद ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये फ़ायदा है। तो दो फायदे थे टाइम शेयरिंग के, क्या फ़ायदे थे, नंबर वन मल्टीपल प्रोग्रामिंग, कि हम टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए स्मॉल टाइम इंटरवल्स को ईच जॉब को एग्जीक्यूट करके इस काबिल हो गए थे कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स को भी मैनेज किया जा सकता था, एक से ज़्यादा यूज़र्स को भी मैनेज किया जा सकता था एक ही वक्त में। आज भी यही काम हो रहा है, याद रखिएगा, आज का सीपीयू भी यही करता है, लेकिन वो टाइम स्लाइस जो है ना वो अब पता कितना छोटा हो गया, वो इतना छोटा हो गया, वो तो माइक्रो सेकंड की एग्जांपल दी हुई है ना यहाँ पे, दो माइक्रो सेकंड, लेकिन आज का तो पता नहीं नैनो सेकंड से भी आगे चला गया। एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा होता है कि सीपीयू एक प्रोसेस को सर्विस करके दूसरे की तरफ चला जाता है। दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रेजेंटिंग मल्टीपल जॉब्स टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम, एंड सीपीयू विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग प्रोसेस मल्टीपल jobs and service multiple users simultaneously by allocating small time interval to each process or each job present in its ready queue. Multitasking kya hai, one more user executing simultaneously. Today multi-programming is single user and multiple user. Ab single user kya hai aur multiple user kya hai, shuru mein aise operating system bane the ki jo ek user ko support karte the, yani ek user to usme एक वक्त में इंटरेक्शन कर सकता था, दो नहीं कर सकते थे, लेकिन आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन के आपके कंप्यूटर में चलने वाला छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एंड्रॉयड भी मल्टीटास्किंग है। आज आप अपने मोबाइल के साथ कितने लोगों को इंटरेक्ट जो है ना वो राउटर के साथ शेयर कर देते हैं, हॉटस्पॉट के साथ, जब आप हॉटस्पॉट के साथ पाँच कंप्यूटर्स के ऊपर पाँच मोबाइल के ऊपर वाईफाई चला रहे हैं तो एक ही चल रहा है ना, कनेक्शन मेन तो एक है और वो एक क्या कर रहा है, उन पाँचों से इंटरेक्शन कर रहा है एक ही वक्त में। दिस इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विच कैन कम्युनिकेट विद सिंगल यूजर एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अनेबल टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी बेसिक चीज़ हमारे पास क्या है, हमने पढ़ लिया मल्टी यूज़र भी है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ गया, ये सारी चीज़ें मल्टी यूज़र के अंदर आ गई। अब यहाँ पे जो एक्ट आता है, जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व होता चला जा रहा है, मल्टी प्रोसेसर मशीन्स जो है ना वो डिवेलप होना शुरू हो गई, यानी पहले था ये मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है। मल्टी प्रोसेसर क्या है कि टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, मल्टी टास्किंग की कैपेबिलिटी थी, तो एक काम ये हुआ जी कि सीपीयू ऐसे बनने शुरू हो गए 1970-80 के अंदर कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है जी, बाय शेयरिंग टाइम ऑफ सिंगल प्रोसेसर। लेकिन बाद में क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसर मशीन बननी शुरू हो गई। आज भी आप देखें कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो ऑक्टा कोर है, डेका कोर है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा छोटे छोटे प्रोसेसर जो है ना वो लगे हुए हैं, और वो क्या करते थे कि बजाय कि एक ही प्रोसेसर पांच टास्क पे जाए, अगर पांच टास्क हैं पांच ही कोर हैं तो एक एक कोर सबको दे दी जाए, वो अपना अपना उसको प्रोसेस करते रहे। ये तजर्बा भी हुआ जी, से सबसे पहले जो तजर्बा हुआ था वो हाइपर थ्रेडिंग के नाम से हिस्ट्री के अंदर है जी, हाइपर थ्रेडिंग ये सबसे पहली दफ़ा हुआ था जी, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। हाइपर थ्रेडिंग इंटेल टर्म है, इसमें क्या था, साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग होती थी कि एक सीपीयू यानी एक जॉब को बड़े सीपीयू से परफॉर्म किया गया और एक जॉब को दो सीपीयू से परफॉर्म किया गया, उसको वर्चुअली सप्लिट करके, नॉट फिजिकली, पहले वर्चुअली सप्लिट किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए सप्लिट किया गया। तो उन्होंने देखा कि अगर एक बड़ा प्रोसेसर एक जॉब को 4 सेकंड 10 सेकंड में करता है, तो जब हम हाइपर थ्रेडिंग के जरिए
दो प्रोसेसर लगा देते हैं एक जॉब के ऊपर, तो वो 60 सेकंड में करता है, 40% जो है ना 6 सेकंड में करता है, यानी 40% इम्प्रूवमेंट है। यहाँ से फिर हाइपर थ्रेडिंग के बाद जो है वो मल्टी कोर प्रोसेसर्स और मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़माना आया, तो वहाँ पर एक काम फिर बढ़ गया था जिसे हम लोड प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि जो था ना टास्क कि एक जॉब को जो है वो किस तरह हमने डिवाइड करना है और किस किस प्रोसेसर को कौन कौन सी जॉब जो है वो एलोकेट करनी है, तो वहाँ पर लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग जो है ये कॉन्सेप्ट आए। लोड बैलेंसिंग हमारे पास क्या था, डायनेमिकली एलोकेटिंग टास्क टू वेरियस प्रोसेसर सो दैट ऑल प्रोसेसर कैन, ये ना हो कि एक प्रोसेसर को काम मिल रहा है दूसरे को मिल ही ना रहा हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल जब प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा था तो उसके अंदर लोड बैलेंसिंग के फीचर्स को भी ऐड किया गया, और स्केलिंग से मुराद ये था ब्रेकिंग टास्क इनटू नंबर ऑफ सब टास्क कंपेटेबल विद नंबर ऑफ प्रोसेसर, इसका नाम जो है वो स्केलिंग रखा गया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। फिर आ जाता है जी बात एम्बेडेड सिस्टम्स की, यानी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे भी हैं जो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब है कि जो किसी मशीन के अंदर से ही लगा हुआ है, ठीक है। आपके फ्रिज के अंदर एक चिप लगी हुई है, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। आपके एसी के अंदर एक चिप लगी हुई है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर बिल्ट इन फाउंड इन डिवाइसेस, दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी मिसाल आप इनकी दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन जी, ये हम पहले में सबसे पहले यही कर चुका था। सॉफ्टवेयर जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसी तरह तीसरे जो हैं वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जो हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग टास्क पर्टिकुलर टू मशीन यूटिलाइजेशन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ए मशीन की जो यूटिलाइजेशन है। और इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दैट आर कॉमन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, और ये यूज़र ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिंपल कैटेगराइजेशन है जी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम में डिवाइड होते हैं। एप्लीकेशन में तमाम वो सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स, यानी मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मैं आपके सामने एक साइट खोलता हूँ, फाइल हिपो, ये देखिए जी। फाइल हिपो एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ से ना मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहे हैं, ब्राउजर्स, डेस्कटॉप, गेम्स, पर्सनलाइजेशन, सोशल, लर्निंग, ऑफिस, फाइल शेयरिंग, मल्टीमीडिया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ब्राउजर पर क्लिक करें तो ब्राउजर्स की लिस्ट ही आ जाएगी, अवास्ट, गूगल, मोजीला, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो सिस्टम के लिए बनते हैं, उनमें भी दो किस्म के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले, जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस और कर्नल। यूज़र इंटरफेस क्या है, जो एक आम यूज़र के लिए है, डेस्कटॉप है, टास्क बार है, क्लॉक है, लेकिन इसके पीछे जो इसका असल कोर चल रहा है, जो इंजन है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे हम कर्नल कहते हैं जी, ठीक है। इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने वाला सॉफ्टवेयर जी, कंप्यूटर के अंदर किसी फॉल्ट को ट्रेस करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो मशीन के अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की हेल्थ को मैयर करने वाला जो सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे पास कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके जो शेल हैं, सबसे पहला शेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो यूज़र इंटरफेस है, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्शन करता है। यानी विंडो का सबसे पहला शेल क्या है, ये है डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट, स्टार्ट का मेन्यू, टास्क बार, किसी प्रोग्राम को चलाएं तो विंडो बन जाती है, यहाँ से क्लोज हो जाता है, ये यूज़र इंटरफेस है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड्रॉयड का क्या है, आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, ऊपर से सेटिंग्स वगैरह खुल जाती हैं और आपके पास मेन्यू ग्रिड की सूरत में होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के बाद पुराने दौर में हम इसे शेल कहा करते थे। शेल के अंदर सारा टेक्स्ट और कीबोर्ड होता था, ये ग्राफिकल वे नहीं होता था। यानी पुराने दौर में आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ये देखें ये आपके सामने इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन होती थी। डेट देखनी होती थी तो डेट लिख के एंटर करते थे,
डेट आ जाती थी, टाइम देखना होता था तो टाइम लिख के एंटर करते थे, टाइम आ जाता था। दिस इज कॉल्ड कमांड शेल। तो पहले जो ओल्ड वर्जन्स थे उनके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता था जिस तरह का आज का है हमारे पास, GUI जिसे हम GUI पढ़ते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज का जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो है ही सारा ग्राफिकल इंटरफेस। इसलिए मेरा नहीं ख्याल के जो आज का स्टूडेंट है उसने पुराने की कोई झलक भी देखी होगी, लेकिन वो झलक मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है कि अगर आप पुराने कोई फिल्में देखें 10-20 साल पुरानी, उसके अंदर जब हैकर्स या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो सारे इसी तरह की कमांड्स और इस तरह की स्क्रीन के ऊपर ही ना वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जी ये यहाँ से, मुझे तो जितनी की कमांड याद है अब क्योंकि 25-30 साल हो गए पहले पढ़ा था, ठीक है जी, ये टाइम की कमांड है, ये फाइलों की लिस्ट देखने की कमांड है, ये किसी भी डायरेक्टरी में अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो ये वो कमांड है CD की, ठीक है जी, CD SCHOOL स्कूल। तो आप देखें मैं स्कूल के फोल्डर में चला गया, जब मैंने लिखा तो इसकी इसकी डायरेक्टरीज आ गई, CDNCRY, ये मैं इस डायरेक्टरी में चला गया, और जब मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ तो मैं एग्जिट करता हूँ। दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल माउस के जरिए हम यूज़ करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राफिकली हमारे सामने आते हैं। यूनिक्स का नाम आ रहा है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। MS-DOS ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कमांड शेल जो मैंने अभी आपके सामने चला के दिखाया इस तरह का था। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, ये टर्मिनल यूटिलिटी का है, इसी तरह ये नाम है। विंडोज मैनेजर, आज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये विंडोज मैनेजर के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने बताया नहीं, हर प्रोग्राम की एक विंडो आपके सामने आ जाती है और उस विंडो के अंदर डिफरेंट किस्म के मेन्यूज एंड आइकॉन्स होते हैं, यहाँ से हम उसे हैंडल कर सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं। ये आज का जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। ये देखें जी, एक ओवरऑल इसकी आप कह लें शक्ल है, ये यूज़र है, ये आउटर लेयर जो है ये इसका इंटरफेस है। पुराने ज़माने में ये शेल और कमांड बेस्ड था, आज ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और अंदर सारे का सारा जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का असल कोड है और असल इंजन है, जिसकी मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी आपके पास कंपोनेंट्स के अंदर ही, कर्नल को हमने डिफाइन कर लिया। फाइल मैनेजर हमारे पास क्या है जी, फाइल मैनेजर फोल्डर और डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ये सिंपल चीज़ें हैं जी, आप सारे इससे वाकिफ हैं नहीं कि फाइल मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा है, फाइल मैनेजर क्या है जी, जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है जी। ये देखें जी आपके पास, किधर गया माई कंप्यूटर, ये माई कंप्यूटर आ गया, ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये आपके सारे फोल्डर्स हैं जी, और ये आपकी फाइल्स हैं। फोल्डर्स को कॉपी करना, फोल्डर्स को नया बनाना, फोल्डर्स को कट करना, डिलीट करना, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स का बनाना, पुराना नाम इसे डायरेक्टरी कहते थे, आजकल आप इसे फोल्डर कहते हैं। और आप समझते हैं फोल्डर्स के फाइल मैनेजर की क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जी, नए फोल्डर को बनाना, फाइल को रीनेम करना, ठीक है जी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी फोल्डर का नाम कहलाती हैं। डायरेक्टरी पाथ हमारे पास क्या होता है जी, डायरेक्टरी पाथ कहते हैं जी, जैसे ये देखें इस वक्त मैंने ये कैमरा खोला, अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास ये F:\Camera, ये इसका पाथ है कि असल में ये बताता है कि आपका कौन सा फोल्डर किस जगह मौजूद है। ये आपने कैमरे पे क्लिक कर दिया, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे VU हैंडआउट्स पे क्लिक करता हूँ, VU हैंडआउट्स के बाद मैं चला जाता हूँ जी के किसी और फोल्डर में, 401 के फोल्डर में। अब आप देखें इसका पाथ क्या है जी, इसका पाथ है जी F ड्राइव के ऊपर ये पड़ा हुआ है, उसके अंदर फोल्डर है VU हैंडआउट्स का, उसके अंदर जो है वो 401 है। इस तरह करके लिखना ये वाली जो लाइन है ये पाथ कहलाती है जी, ये जिसमें हम ड्राइव लेटर बताते हैं, कॉलन और उसके बाद फोल्डर, फिर सब फोल्डर, फिर सब फोल्डर, तो इस ये जो है वो डायरेक्टरी पाथ या फोल्डर पाथ कहलाता है किसी का भी, ठीक है जी। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जी, किसी भी जितने भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगे होते हैं उनको चलाने के लिए जो उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके बगैर ना आपका कैमरा चलता है ना आपका वाईफाई चलता है, उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। ये विंडोज़ के अंदर बिल्टन भी होते हैं, यानी आप कोई ड्राइव कोई डिवाइस लगाएं विंडो खुद से उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्डवेयर बगैर ड्राइवर के चलता हो। अगर आप अपने दिस PC पे राइट क्लिक करें, मैनेज पे क्लिक करें, तो यहाँ से एक डिवाइस मैनेजर ओपन होगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने हार्डवेयर डिवाइसेस
आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, तमाम हार्डवेयर के प्रॉपरली सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, चूँकि ज़्यादा प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं जी। ये देखें जी, ये आपका डिवाइस मैनेजर है और यहाँ पर अपने डिवाइसेस को पहचानना शुरू कर दें जी आप। ये आपके डिवाइसेस के नाम, बैटरी है जी तो उसका ड्राइवर ये है, अगर ऑडियो है तो उसका ड्राइवर ये है, अगर आपके पास डिस्प्ले अडाप्टर है तो ये ड्राइवर है, जो जो चीज़ भी है, कैमरा है तो ये उसका ड्राइवर है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से खुदा ना खास्ता डिसेबल कर दें तो आपका कैमरा काम करना बंद कर देगा। अगर आप यहाँ पर आकर माइक्रोफोन को डिसेबल कर दें तो ये ड्राइवर, आपने इसका बंद कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है, अपडेट ड्राइवर, अनइंस्टॉल ड्राइवर, डिसेबल डिवाइस, तो यहाँ से आप अपने डिवाइस को डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद आ गया जी कि मेमोरी मैनेजर हमारे पास क्या होता है जी। मेमोरी मैनेजर, जब लफ्ज मेमोरी आता है ना जी, याद रखिएगा, मेमोरी से मुराद होता है आपके कंप्यूटर की रैम को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर जो है ना वो कोडिंग आती है, या आप कह लें इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना जी, ये थोड़ा मुश्किल है, ये हो सकता है जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए तो ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि जो नेक्स्ट उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स आएगा उसके अंदर ये बड़ी डिटेल में 3-4 चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट के। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक से ज़्यादा जॉब्स आती हैं प्रोसेस होने के लिए, तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास एक प्रोसेसर है, रैम है 2 GB या 4 GB की, और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है ना वो आपकी रैम और आपकी मेमोरी होती है। इसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं कंप्यूटर का ना, जो आपकी रैम होती है। इसीलिए आपने आम बात सुनी होगी यार कि अगर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना तो रैम बड़ी कर लो, अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर या गेम चलाना चाहते हो तो रैम को बढ़ाओ। वजह क्या है, क्योंकि असल वर्किंग एरिया ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पोर्शन होता है जो मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक जो है वो टास्क टू मेमोरी मैनेजर इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर व्हेन टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड एक्सीड्स द स्पेस एलोकेटेड अवेलेबल इन द कंप्यूटर। एक जॉब है या 15 जॉब आ गई हैं, 15 जॉब्स को क्या है कि 5 GB मेमोरी चाहिए, आपके पास 4 GB मेमोरी है, उस वक्त मेमोरी मैनेजर को बड़ी ही मुश्किल होती है। तो उसके पास डिफरेंट, अब वो 4 को 5 नहीं कर सकता, 4 को 5 कर नहीं सकता और प्रोसेस को डिनाय भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जो सबसे पहली टेक्निक है उसे पेजिंग टेक्निक कहा जाता है, कि पेजिंग टेक्निक के ज़रिए वो मेमोरी को मैनेज करता है। पेजिंग टेक्निक्स क्या है, सपोज द मेन मेमोरी ऑफ 8 GB रिक्वायर्ड, आपके पास सिर्फ 4 GB है और आप क्या करेंगे, लार्जर मेमोरी स्पेस चाहिए जो कि 4 GB के लिए है, तो जबकि 8 GB का हमारे पास जो है ना वो डाटा है, हम क्या करेंगे कि अपनी मेमोरी को छोटे छोटे यूनिफॉर्म साइज्ड पेजेस में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 4 GB के छोटे छोटे पेज बना लेंगे और हर पेज का साइज चंद KB का रख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेमोरी मैनेजर शफल करेगा इन पेज को बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड मैस स्टोरेज पेजेस दैट आर नीडेड एक्चुअली इनटू द मेमोरी। 8 GB का प्रोसेस है, उसने आके चलना है, 4 GB आपकी मेमोरी है, लेकिन एक बात जहन में रखें, 8 GB में से 8 GB ही नहीं एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है वो चंद KB होंगे, उसके बाद जिन्होंने आना है वो फिर चंद KB होंगे, इस तरह करके बना होगा। तो वो क्या करता है, वो ये करता है सॉरी कि वो KBs के पेजेस बना लेता है और जो एक्चुअली रन होने होते हैं वो उठाता है हार्ड डिस्क में से और उनको पेजेस में लोड कर लेता है और जो हो जाते हैं उनको उठा के वापस, तो इस तरह वो पेजिंग में के पेजेस को बैक एंड फोर्थ जो है वो एग्जीक्यूट करके तो उन 8 GB को मैनेज कर रहा होता है। हैवी जब गेम या सॉफ्टवेयर करते हैं तो सिस्टम की स्पीड क्यों स्लो हो जाती है, इसीलिए स्लो हो जाती है कि प्रोसेसर तो एक है, उसी ने प्रोसेस करना है और उसी ने पेजेस को वापस भी रखना है मेमोरी में और उठा के भी लाना है, तो उसका ज़्यादा टाइम पेजेस को बैक एंड फोर्थ ले जाने में लगता है। इसे आगे जाकर आप पढ़ेंगे, हम इसे जो है ना वो थ्रैशिंग कहते हैं, तो उसका ज़्यादा टाइम थ्रैशिंग में लगता है, कम टाइम एग्जीक्यूशन में लगता है।
तो इसलिए एक टेक्निक इसके साथ यूज की जाती है कि जी ये जो 4 GB मेमोरी के पेजेस है ना, इनके पीछे जो मैस स्टोरेज होती है यानी जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर हम एक वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, और पेजेस जितने पेजेस आपने मेमोरी में बनाए होते हैं उतने ही पेजेस आप वर्चुअल मेमोरी में बना लेते हैं। आपका डाटा वर्चुअल में भी पड़ा होता है, पेजेस में भी पड़ा होता है, और ये एक दूसरे के साथ शफल होते रहते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है ये करता कौन है, ये आपके पास जो है ना वो शेड्यूलर और डिस्पैचर करते हैं, ठीक है ना, कि किसको लाना है, किसको रखना है, कौन सा जो है वो, ये शेड्यूलिंग भी की जाएगी जॉब्स की और पेजेस की, और डिस्पैचर जो है फिर उनको उठा के डिस्पैच भी किया करेगा, ये नया रोल आ जाएगा। अब आपकी जो दूसरी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट का जो दूसरा क्वेश्चन था वो डिस्पैचर के ऊपर ही मुश्तमिल था कि जी आपका डिस्पैचर वाला हिस्सा क्या है। मेरा ख्याल है एक सेशन के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर सकूंगा, लिहाजा मैं 50 तक की इसको ख़त्म करता हूँ जी। सिर्फ जाते हुए आपको डिस्पैचर और शेड्यूलर का रोल बता देता हूँ। आपके पास जो दूसरी डायग्राम आई थी वो यही थी कि जी आप इनकी एक तो क्यू बना दें, जो मैंने आपको ये दिखाई कि जी आपने इस तरह करके इनको क्यू में शो कर दिया। दूसरा क्या था कि इसकी एग्जीक्यूशन आप शो करें कि इसकी एग्जीक्यूशन आपके पास किस तरह से हो रही है, तो टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये इसकी एग्जीक्यूशन थी जो मैंने आपको बताई कि जी वो एक एक करके प्रोजेक्ट को उठाता जाएगा और उसको दो दो सेकंड तक काम करते हुए इसको प्रोसेस कर देगा। आपके हैंडआउट्स में ये चीज़ आगे जाके आएगी जहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से रन करता है। ये डायग्राम भी बनी हुई है आगे कंप्यूटिंग प्रोसेस के हवाले से, वहाँ पर जाके हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे जी। तो बहुत 45 मिनट से ज़्यादा का सेशन हो गया, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक था दोनों लोगों के लिए, जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्यूचर में पढ़ना है उनके लिए भी, और जिन लोगों ने इसको आप समझना है जो बिल्कुल नॉविस यूज़र हैं, कंप्यूटर के यूज़र नहीं हैं, उनके लिए भी ये बड़ा ही आम टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।